पिछले साल सायरस मिस्त्री के एक सड़क हादसे में गुजर जाने के बाद से देश के पुराने और दिग्गज कारोबारी घराने में गिने जाने वाले शाहपुरजी पोलोंजी ग्रुप अब तक उभर नहीं पाए हैं। ऊंचे कर्ज में दबे शाहपुरजी पोलोंजी ग्रुप ने सायरस की अगुवाई में अपने कर्ज को काफी हद तक कम भी कर लिया था, लेकिन पिछले साल 31 मार्च तक सायरस मिस्त्री ने ग्रुप पर मौजूद कर्ज को 13,500 करोड़ रुपए कम कर दिया था और इस तरह से ये गिरकर 23,475 करोड़ पर रह गया था। लेकिन उनकी मौत ने ग्रुप के लिए चुनौतियों को फिर से पैदा कर दिया है। अब एसपी ग्रुप की कमान शाहपुर मिस्त्री के हाथ में है और ग्रुप अपनी फ्लैगशिप इंजीनियरिंग कंपनी में कंट्रोलिंग स्टेक समेत दूसरी एसेट्स बेचने पर विचार कर रहा है। ग्रुप इस तरह से $2 अरब या 16,400 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रहा है। माना जा रहा है कि कंपनी एक एडवाइजर के साथ काम कर रही है ताकि अपनी फ्लैगशिप कंपनी एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में स्टेक बेच सके। एफकॉन इंफ्रा मुंबई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी है। एसपी ग्रुप कुछ पोर्ट्स भी बेचने की योजना बना रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक शाहपुरजी ग्रुप देश के पूर्वी तट पर मौजूद गोपालपुर पोर्ट को भी बेच सकती है। हालांकि बताया जा रहा है कि इस बारे में चर्चा अभी शुरुआती चरण में ही है और एसपी ग्रुप इन्हें लंबे वक्त तक अपने पास रखने का भी फैसला ले सकता है। शाहपुरजी पोलोंजी ग्रुप की नींव 1865 में पड़ी थी। इस ग्रुप ने कई लग्जरी होटल्स, स्टेडियम्स, पैलेस और फैक्ट्रियां बनाई हैं। ये बिल्डिंग्स न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों में बनाई गई हैं। इनमें रिजर्व बैंक की बिल्डिंग और मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल की हेरिटेज टावर विंग शामिल है। एफकॉन के पास मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, टनल्स, ब्रिज और सड़कें बनाने में महारत हासिल है। इनका कामकाज एशिया, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के 25 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है। पिछले साल एसपी ग्रुप को दो बड़े झटके लगे। पहला तो 93 साल की उम्र में जून में पोलोंजी मिस्त्री गुजर गए। पोलोंजी शाहपुर के पिता थे और इस ग्रुप के फाउंडर थे। सायरस मिस्त्री शाहपुर के छोटे भाई थे और उनकी असामयिक मृत्यु पिछले साल सितंबर में हो गई। मिस्त्री परिवार की संपत्ति करीब $29 अरब है। इसका बड़ा हिस्सा या यूं कहे 90% हिस्सा टाटा सन्स में उनकी 18% हिस्सेदारी से आता है। हालांकि फैमिली की सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि ये स्टेक टाटा ग्रुप के साथ चल रहे विवाद के चलते फंसा हुआ है और मिस्त्री परिवार इसे बेच कर पैसा नहीं जुटा पा रहा। ऊंची ब्याज दरें शाहपुरजी के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। पिछले साल ग्रुप ने अपनी कंपनी यूरेका फोर्ब्स को 4,400 करोड़ रुपए में बेच दिया था। साथ ही कंपनी ने अपनी स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेच दिया था।